शहडोल जिले में अपराधियों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम हथियार तमंचा लेकर जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलने के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। ऐसे बेखौफ तमंचेबाज जुआरी के जुए के फड में बुढ़ार पुलिस ने दबिश देकर 10 जुआरियों को हिरासत में लेकर बड़ी कार्यवाही की है। इस जुए के फड में देशी तमंचा कट्टा लेकर जुआ खेल रहे युवक को पुलिस ने पकड़कर बड़ी कार्यवाही की है। बुढ़ार पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि तालाब के पास में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर तत्काल जो है थाना बुढ़ार पुलिस टीम के द्वारा मौके पर दबिश दी गई। तो मौके पर करीबन 8 से 10 लोग जो है जुआ खेलते मिले और मौके पर जब रेड किया तो 8-10 लोग फरार हो गए। 2 व्यक्ति वहां मिले जिन पर और मौके से करीबन 10,500 रुपये की जब्ती की गई है। जब दोनों आरोपी की तलाशी ली गई तो एक आरोपी आशू सिंह के कमर से एक अवैध 315 देसी बोर कट्टा मिला। तब आरोपी को मौके पर ही आर्मफिट के तहत गिरफ्तार किया गया है और दोनों आरोपियों के विरुद्ध जो है जुआ एक्ट और आर्मफिट के तहत कार्रवाई की गई है। जुआ खेलने के दौरान जिसके पास कट्टा मिला किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है, संभवतः चूँकि कट्टा लिया था तो निश्चित रूप से कोई भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। बुढ़ार थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के फड में बुढ़ार पुलिस ने दबिश देकर 10 से अधिक जुआरियों को पककर 2 बाइक व कुछ नकदी रकम जब्त कर कार्यवाही की है। इसी बीच पुलिस आरोपी आदित्य सिंह चंदेल उर्फ आशु को गिरफ्तार किया है, जो 315 बोर का एक देशी कट्टा तमंचा रखकर जुआ खेल रहा है। जुआ खेलने के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। पुलिस ने युवक के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट व जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पकड़ा गया युवक पुलिस के सामने ही काला खड़ी कर रौब झाड़ता नजर आ रहा है। तारांकन शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट, देखते रहें द खबरदार न्यूज।